2012 में 30 से 40 लड़कियों से शुरू हुई लर्निंग कम्युनिटी का अभियान अब नहीं तो कब मेक माई स्पेस, ये कैंपेन आज 200 से भी ज़्यादा लड़कियों ने आगे लेके जा रहे हैं। मुंबई के अलग अलग क्षेत्रों से आई हम लड़कियों ने समझा है कि लड़कियों की सुरक्षा और आज़ादी के मूलभूत हक को छीनती है रोक टोक और पाबंदी। क्यों क्या होता है आप ही बताएं, ऐसा क्यों होता है? इसी तरह हमारी जिंदगी के विकास से जुड़ा हुआ है खुला मैदान। क्या है खुला मैदान? वही ना जहाँ सब लोग खेलने जाते हैं तो कुछ लोग टहलने जाते हैं, पर क्या करें हमें तो वापस जाने पर पाबंदी लग जाती है क्योंकि समाज का डर होता है, मेडिकल का डर होता है और लोगों की गंदी नज़र, यही सब कारणों से हम पर पाबंदियाँ लगती है ना। बाबुल प्यारे सजना सखारे, बाबुल प्यारे सजना सखारे, सुनो मेरी मैया, सुनो मेरी मैया, बोझ नहीं मैं किसी के सर का, ना मजदार मैं नैया, बोझ नहीं मैं। ये कैंपेन इस मुद्दे पर हम पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। इसमें हमारी समझ बढ़ी है, हमारी क्षमता बढ़ी है और लोगों का सपोर्ट भी पाया है। और हमारे इस कैंपेन की खासियत ही यही है जहां पर हम लड़कियां अपनी समस्या भी बताती है और उसका हल की तरफ भी हम ही अपना कदम बढ़ा रहे हैं। सामाजिक स्थान पर लड़कियों की सुरक्षा, पाबंदियों को हटाना, रोकना, इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने आज तक गवर्नमेंट अथॉरिटी को लेकर स्ट्रीट प्ले, रैली, सर्वे, सिग्नेचर कैंप, स्पोर्ट्स इवेंट, फोटो एग्जीबिशन जैसे काम किए हैं। यह मुद्दा हम लड़कियों के लिए अहम मुद्दा है, लोग इस मुद्दे को समझें और चर्चा करें। हर सार्वजनिक जगह पे देखेंगे या फिर कोई भी जगह देखेंगे वहाँ पे हमें पुरुष दिखाई देते हैं, लड़कियाँ या फिर औरतें बहुत कम दिखाई देते हैं। तो ये कम क्यों है, इसके लिए जानने के लिए हमने सोचा कि ये छेड़छाड़ की वजह से और पाबंदी की वजह से लड़कियाँ नहीं जाती है, तो इसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। और ये सब जगह लड़कों के लिए भी कैसे खुली हो सकती है, लड़कियाँ भी कैसे जा सकती है, इसके लिए हम ये कैंपेन कर रहे हैं। तो गणेश उत्सव मंडल में लोग बहुत सारे पब्लिक आते रहते हैं, तो ये मंडल वाले में आने वाले लोगों को हम अगर ये मैसेज दे देंगे कि छेड़छाड़ के खिलाफ आप आवाज़ उठा सकते हो, ये लड़कियों को आप छेड़छाड़ के जब होता है आपको सपोर्ट कर सकते हो ताकि ये भी सब जगह पे आप जा सकती है, इसके लिए हमने ये कैंपेन शुरू किया और ये मंडल में हमने ये शुरू किया है। ये कैंपेन में हम ये सोच रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं कि छेड़छाड़ लोगों को हम आने वाले लोगों के पास जा रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि छेड़छाड़ जब होती है आपको क्या लगता है लड़कियों और औरतों के ऊपर छेड़छाड़ होती है? तो ऑब्वियसली उनका जवाब हाँ ही आता है, और हाँ आता है तो आप इसके खिलाफ आपकी आवाज़ आपकी क्या भूमिका रहेगी, आप क्या आवाज़ ले लेंगे, आप क्या भूमिका उठाएंगे? तो ऐसे अलग अलग भूमिका हमने अलग अलग फ्रॉक पे लिखी हुई है और वो भूमिका हम उनको यहाँ पे आके लेने को बोल रहे हैं, उनका फोटो ले रहे हैं, उसके साथ अगर ये कैंपेन को वो जुड़ना चाहते हैं तो वो कैंपेन का हम उनका सिग्नेचर भी ले रहे हैं। म्हणजे खरंच आजकालच्या मुली सुरक्षित नाही आहेत खरं तर बघायला गेलो तर, कारण का घरातनं खूप बंदी असते, ह्या गोष्टी करू नका, त्या गोष्टी करू नका, ह्या गोष्टी केल्या समाजातील लोक काय म्हणतील, पण आपण समाजाचा विचार का करायचा? मला जे बघायचं ते मी वागू शकते, मला जे करायचं ते मी करू शकते, आणि यामध्ये कुठलीही सक्ती नाही आहे। मला वाटतं ना की मला हे करायचं आणि मी ते करणार। Sarvajanik jagah, 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 Sarv